वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक नया वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। अभी तक कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल पर जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप यूं ही प्यार से मेरे वीडियो देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है। मैं लिक्विड लिप कलर का रिव्यू कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं NY बेकी लिक्विड लिप कलर का रिव्यू करने जा रही हूँ। इसे मैंने पर्पल ऐप से परचेज़ किया था और इसकी मार्केटिंग प्राइस जो है वो जो इसकी MRP है वो 198 है और ये मुझे 98 में मिल गई थी। ये मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर की है। आप इसका कलर ऐसे देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर है इसका। और ये मैट लिप कलर है। आप देखिए जो कलर आपको दिख रहा है कैमरे पे, ये वही कलर है, कोई भी इधर उधर नहीं है। और ये इतना ब्राइट कलर है और इतना रॉयल लगता है आपका होंठ इसको लगाने के बाद, इतनी प्यारा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक अच्छा ब्रांड है, लोकल ब्रांड लेने से अच्छा आप इस ब्रांड का लें लिप कलर। ये पर्पल ऐप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने लिप पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और ये बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है। बहुत इसका एप्लीकेटर मुझे इतना पसंद आया ना, तो अच्छा है चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसका एप्लीकेटर ही नहीं अच्छा होता है तो सब ख़राब हो जाता। बस दो बार में ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 3 ml की इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है और ये 3 ईयर की ये सेल्फ लाइफ है इसकी। और जो इसका एक्चुअली सेड है मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। आप देखिए कितना आसानी से लग गया है। जब हम इसको अपने लिप पे अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड में होता है, 10 सेकेंड बाद ये फुल मैट हो जाता है। और ये आप इसका लुक देख सकते हो। और जहाँ तक ये ट्रांसफ़र होने की बात करें, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप चाहे कितना भी करो, 2 से 3 घंटे तक के तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, बट उसके बाद अगर आप नॉर्मली हो, अगर आप कुछ खा पी नहीं रहे हो या कम खा नहीं रहे हो, बस पानी ओनी पी रहे हो, तब तो ये 1-2 घंटे तक के आराम से रहेगा। आप अगर ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो तब तो ये ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र क्या होगा, ये आपके होंठ से ना धीरे धीरे निकलने लगता है, पपड़ी बन के निकलता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कहूँगी अगर आप किसी शादी में या ऐसे फंक्शन में जा रहे हो जहाँ आपको देर तक के रहना है, तब ये जो लिप कलर है वो आप अपने साथ ले जाओ ताकि अगर वो निकल जाए तो आप उसको फिर से रीअप्लाई कर सको। ये देखिए, मैं अपने होंठों से दबाती हूँ तो ये पहली बार में तो नहीं ट्रांसफ़र हुआ, बस दूसरी बार में अगर आप ऐसे करोगे तो ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगता है। ट्रांसफ़र के ये होंठ से एकदम निकलने ही लगता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं से निकलता है कहीं से नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूँगी कि नॉर्मल यूज के लिए अच्छा है। आप मार्केट जा रहे हो, किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, 1-2 घंटे के लिए जा रहे हो, उसके लिए तो बेस्ट है। बट अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो मैं कहूँगी कि इसके अलावा आपके पास अगर कोई और अच्छी लिक्विड लिप कलर है तो आप वो लगा सकते हो या कोई और लिप कलर लगा सकते हो, उसको सिक्योर कर सकते हो देर तक के टिकने के लिए, बट ये नहीं। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।